नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम आ चुके हैं सिवान शहर में, जावेद हबीब में। तो आज हम जो ऑनर हैं, इनके डायरेक्टर हैं, जो इंडिया के हैं, इनसे आप बातचीत करेंगे, इनसे रूबरू होते हैं और इनसे मुलाकात हो सकती है। सबसे पहले सर, आपके क्या नॉलेज देना चाहते हैं इंडिया को और बिहार को? देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगा कि कोई काम छोटा नहीं है, हर काम बड़ा बन सकता है। उसके अंदर अगर एजुकेशन आ जाएगी, हर काम बड़ा बन सकता है। सर, हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, यंग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, तो कैसे जा सकते हैं? बिकॉज यू फ्रॉम बॉलीवुड। बॉलीवुड में जाने के लिए बॉलीवुड में जाना जरूरी है क्या? जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, देखिए पहले आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको एक्टिंग सीखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ट्राई करना पड़ेगा। बट बहुत कॉम्पिटिशन है। मैं सोचता हूँ कि बॉलीवुड के बारे में ज्यादा मत सोचें। जो भी धंधा आपका घर का है उस पर काम करो, उसके स्टार बनते हैं हम लोग। जैसे आपके जैसा कोई बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता, क्या कर सकता है? मुझे जैसा हैंडसम बने पहले। कैसे ट्रेन करेंगे? जैसे कि बिहार में कहाँ ट्रेनिंग? देखिए, हमारा जावेद हबीब का जो ब्रांड है वो एजुकेशन ब्रांड है। हमारे 67 एकेडमी चलते हैं, जहाँ हम लोग को सिखाते हैं बाल काटने की साइंस क्या है। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, बाल काटना आर्ट नहीं है। बाल काटना आर्ट जब तक होता है जब उसमें एजुकेशन नहीं आती। तो जैसे एजुकेशन आ जाएगी, हम बालों के डॉक्टर बन गए, तो मैं बालों का किसान। एजुकेशन क्या चाहिए जो अगर 12th पास हो बच्चे? देखिए, हम यही नहीं सोचते कि हर आदमी 12th पास होना चाहिए। अगर आप 8th स्टैंडर्ड पास भी हैं, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको बालों की पाठशाला जाना पड़ेगा, वहाँ जाके सीखेंगे बाल कैसे काटे जाते हैं, उसके एंगल क्या होता है। ऑलमोस्ट डिप्लोमा कोर्स होते हैं? हाँ, एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है। हम लोग 3 महीने का कोर्स करते हैं, 6 महीने का कोर्स करते हैं, 9 महीने का कोर्स करते हैं। मतलब जितने फ्रेशर हैं, जितने यंग हैं, इतना लंबा कोर्स कीजिए। जर्नी थोड़ा बताइएगा, कैसे आपने स्टार्टअप किया? जर्नी का तो बहुत लंबा टाइम हो गया। मेरे दादा बाल काटते थे, मेरे फादर बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूं। आप लंदन से सीख के आए हैं? हमारी जनरेशन चलेगी, हम सब बाल काटने वाले हैं। सर, आपने कहां से ट्रेनिंग किया? लंदन से सर। देखिए, मैंने एमए किया हुआ फ्रेंच के अंदर, फिर मैंने इसके अंदर कोर्स किया था इंडिया से बाहर जाके। उसके बाद में आके मैंने इंडिया के अंदर टीचिंग करना शुरू किया। टीचिंग ने मुझे जावेद भी बनाया है। तो आपका पर्सनल नाम जो जावेद हबीब? मेरा नाम पर्सनल नाम जावेद हबीब ही है। हबीब मेरे सरनेम, मेरा सरनेम है। दिल्ली का हूँ, इसलिए मेरा दिल बड़ा है। मैं दिल बड़ा नहीं बोलता, मेरे बाल बड़े हैं। हमारे 120 सिटी में सेंटर चलते हैं। हमारा हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर है और हमारा पूरा फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। तो हमारा इतना ग्रोथ है वो है, आप आया बिकॉज हमारा सिस्टम का। तो मैं हर जगह जाके बाल नहीं काट सकता। तो हम लोगों ने लोगों को ट्रेन किया है। जितने लोग हमारे यहाँ बाल काटते हैं वो सारे हमारे स्कूल से आते हैं। बिकॉज मैं बोलता हूँ कि हमारे जो हेडरेसर है वो हमारे इस ब्रांड का सोल है। बोलूंगा कि सीरियस हो जाओ लाइफ के अंदर, एक ही लाइफ है, अच्छा काम करो। भगवान ने आपको जिस काम के लिए भेजा उसके अंदर मास्टर बन जाते हैं, उसकी स्टार बनते हैं। व्हाई बॉलीवुड? व्हाई नॉट योर प्रोफेशन बॉलीवुड? थैंक यू।